हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ, नमन मेहरोत्रा आपका फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को मैथ सिलेबस करा रहा हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पार्ट आठ है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सातों पार्ट दे रखे हैं। जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, और मेरा चैनल लेट्स गेन नॉलेज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें और मैथ की मैजिकल ट्रिक जान सकें और अपने एग्जाम को आसानी से बीट कर सकें। मैं सभी पार्ट में, सात पार्ट में मैंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मेरा जो आठवां पार्ट है, मेरी ये वीडियो SSC हो, बैंक हो, RRB हो, NTPC हो एंड ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्सों में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे आपको बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या का योग 10 है। दो अंकों की एक संख्या का योग कितना कह रहा है? 10। इनके अंकों के सीन बदलने पर, मतलब इनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, तो संख्या बताइए। देखिए, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे समीकरण बना के, समीकरण बना के हमें मजदूरी नहीं करनी है, हमें एग्जाम में 30 सेकंड में ये क्वेश्चन करना है। तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में 30 सेकंड में? हम एग्जाम में 30 सेकंड में इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए कौन कौन से कह रहा है, 81, 46, 64, 60। अब पहली कंडीशन क्या है? दो अंकों की एक संख्या का योग 10 है। इसका योग 10 है, इसका 9 है, इसका 10, इसका भी 10, इसका 6। ये ऑप्शन कट गया अपने आप ही, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए कौन से इन दोनों में से कौन से हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन लगाएंगे हम, इनके अंकों के सीन बदलने पर। इसका सीन बदलेंगे क्या होगा, 64 होगा। चार की जगह छः करेंगे, छः की जगह चार करेंगे, इकाई की अंक की जगह दहाई का, दहाई की जगह इकाई का। तो 46 में से 64 जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, तो जो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हमारा क्या बचा, हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 64 बचा। इसके अंक आंसर हमारा क्या होगा, 64। देख लेंगे, चेक कर लेंगे, 64 का उल्टा क्या होगा, 46। 46 में से 64 जाएगा हमारा 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। हमारा आंसर होगा सी, 64। समझ में आ गया आप लोगों को? अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग 35 है तथा उनके गुणनफल कितना दे रखा है, 7। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, रेसिप्रोकल का योग पूछ रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो इस सवाल को हम गुण समीकरण बना के करेंगे, बहुत देर लगेगी। ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसको बहुत चुटकियों में आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, उनके सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है बस, सम ऑफ नंबर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आपने इस फॉर्मूला को याद कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 30 सेकंड क्या 15 सेकंड में बिना पेन छुए उठाए कर सकते हैं। देखिए अब सम ऑफ नंबर क्या दे रहा है हमारा, 35, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना कह रहा है, 7। 7 × 5 = 35, हमारा आंसर आ गया 5। बहुत आसान, इसको हम 15 सेकंड में, आप पेन भी नहीं उठाएंगे, आप 15 सेकंड में कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, इस तरह का, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल कितना है, 375। उनके व्युत्क्रमों को जो बताइए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, योग कितना है 40/375, वही 5 से काटिए 5 × 40, 5 से काट दिए 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 55, 8/75 हो गया। 5 सेकंड लगेंगे आप पेन उठाना भी आपकी तोहिन हो गई ऐसे सवालों में। अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 12/35 हो गया सवाल। कितनी देर लगी इस सवाल को, मैजिकल ट्रिक मेरे साथ देखिए, मैजिकल ट्रिक। आप इसको सवाल को आप 10 या 15 सेकंड में कर देंगे, उससे भी कम टाइम में बिना पेन उठाए कर देंगे, और आप एग्जाम को बहुत अच्छे से बीट कर सकते हैं। अब ज्यादा देखिए, 142² - 1 संख्या किसके भाज्य है, ये किससे विभाजित होगी, ये सवाल देखिए प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, 142² इसको 1² लिख सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो एक तरफ 142 + 1 होगा तो क्या होगा, 143 गुणा 142 - 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 141। 143 क्या होता है, 11 × 13 क्या होता है हमारा, 11 × 13 कितना होता है, 143। हमारा आंसर क्या आ गया, 13। हमारा आंसर क्या हो गया, 13। बहुत आसान सवाल था, आप प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि n एक पूर्णांक है तो n की पावर 3 - n किससे विभाजित होगी, n की पावर 3 - n
एन क्या है हमारा एक इंटीजर है, एन क्या है हमारा एक इंटीजर है, तो एन की पावर 3 माइनस एन किससे विभाजित होगी, देखिए हम क्या करेंगे इसमें एन की जगह 2 रखेंगे, क्या रखेंगे एन की जगह 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, माइनस 2 कितना हो गया 6, हमारा आंसर क्या हो गया 6। 2 या 3 सेकंड में आप कर सकते हैं ऐसे सवालों को। मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए जिससे आप कम से कम टाइम में अपने एग्जाम को निकाल सके। एग्जामिनर ऐसे सवाल लगता है जो 15 से 20 सेकंड में हो सकते हैं, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कौन से सवाल में कौन सी ट्रिक्स लगानी है वो हमें पता होनी चाहिए, हम जल्दी से जल्दी हर सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि एन एक पूर्ण संख्या है, एन क्या है पूर्ण संख्या, होल संख्या, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे 0 से, एन एक पूर्ण संख्या है तो कह रहा है 1 से बड़ी, और वो किससे बड़ी है 1 से बड़ी है, तो एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा हम देखेंगे। अब एन स्क्वायर की हम यहाँ पे भी क्या रखेंगे, एन से क्या रख देंगे 2 रख देंगे, अब यहाँ पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 तो 4 में से 1 गए 3, 4 थी 12, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4, 4 और 3 12, आंसर क्या होगा हमारा 12। बहुत जल्दी कर सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए, आप मैजिकल ट्रिक सीखते रहिए आप। अगला सवाल देखिए, 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किससे विभाजित होगी। सवाल देखने में कितना कठिन लग रहा है, मैं इसको इतना आसान कर दूंगा, मेरे साथ बने रहिए आप। देखिए 2 की पावर 71 2 की पावर 72 किससे विभाजित होगी, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, देखिए आप टायर 1 का। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 71 हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 71 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ कितना बचा 2 की पावर 1 बचा, यहाँ कितना बचा 2 की पावर 2 बचा, यहाँ कितना बचा 2 की पावर 3 बचा। आप देखिए 2 की पावर 71 तो यहीं रहेगा, 1 प्लस 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 71 गुणा 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 8 15 कितना होगा 7 और 8 15। अब 2 की पावर 71 को हम 2 की पावर 70 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 मानते हैं, 2 की पावर 71 हो गया, 15 को क्या लिखें 3 गुणा 5, 15 को हमने लिख दिया 3 गुणा 5। अब आप देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 कितना आ गया हमारा यहाँ पे 10, तो हमारा आंसर जब हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर 10 आ रहा है तो हमारी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी 10। इस तरह का कोई भी सवाल आए जब लगातार दे रखी हो, हमारा 71 72 73 74 लगातार 4 दे रखी हो, पूछे किससे विभाजित होगी, तो ऑलवेज आंसर आप कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप सीधे 10 लगा देंगे, क्या लगा देंगे आप 10 लगा देंगे। इस तरह का अगला सवाल SCHSL में पूछा गया था, ये देखिए 4 की पावर 61 4 की पावर 62 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 किससे विभाजित होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, क्या आंसर लगा देंगे सीधे 10, 1 सेकंड में बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सवाल की लैंग्वेज कितनी कठिन है, मैं आपको कितना आसान कर दूंगा, क्या आप कह रहा है ऐसे बना लेंगे आप, 13 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है 1, 5 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है 3, हम यहाँ क्यू मान लेते, क्यू मन मान लिया हमने 1, यहाँ क्या मान लिया क्यू बराबर मान लिया 1, अब इसमें गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5 और 3 8, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 13 अट्ठे 104 और 105, हमारा कितना आ गया 105। अब हमें 65 को किस हम उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर, अब 105 आ गया, 105 में हम क्या किसका डिवाइड दे देंगे 65 का, तो हमारा वो क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा, कितना बचेगा 40, हमारा शेषफल कितना बचेगा 40। आप 1 सेकंड में कर सकते हैं इस सवाल को, 1 सेकंड के अंदर, बस आपको जो 13 यहां लिख लिया कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 5 यहां लिख लिया कितना बच रहा है 3 बच रहा है, क्यू इक्वल टू मान लिया 1, इसका गुणा इसमें करा 5 एकम 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, फिर यहाँ 13 अट्ठे 104 प्लस 1 कितना हो गया 105। अगला सवाल देखिए, एक संख्या जब 5 से विभाजित होती है तो 3 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। मैंने आपको इस तरह का सवाल पहले भी करा चुका हूँ, क्या हमारा जो शेष बच रहा है उसी का वर्ग कर देते हैं, शेष क्या बच रहा है हमारा 3, उसी संख्या में डिवाइड कर देते हैं, अब उस संख्या का वर्ग को 3 का वर्ग क्या हो गया 9, 9 में हम किसका डिवाइड देंगे 5 का, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 5 का 5 क्या शेषफल 4। बहुत जल्दी कर सकते हैं आप, मेरे साथ बने रहिए और आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला सवाल देखिए, 125 की पावर 120 डिवाइड बाय 124, 125 की पावर 120 डिवाइड बाय 124, जब हमारा अंश हमारे हर से एक ज़्यादा है, हमारा अंश जो है हमारे हर से एक ज़्यादा है, यहाँ मान लो जी लिख रहा है 3 की पावर बटे 2, 3 की पावर 1 बटे 2, 3 की पावर 2 बटे 2, तो हमारा जो हमारा हमेशा रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, ये क्या है हमारी पावर क्या है, यहाँ पे समय, यहाँ पे क्या है हमारी विषम है, यहाँ पे भी क्या है हमारी विषम है,
पर हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, एक। किस कंडीशन में, जब हमारा आंसर जो है हमारे हर से क्या ज़्यादा हो, एक ज़्यादा हो। अब इसमें भी देखिए आप, 125 की पावर 120 है, 125 की पावर 120 है, अब अंश क्या है हमारा, एक ज़्यादा है, अंश क्या है हमारा, एक ज़्यादा है हर से, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या बचेगा, एक। उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरे सारे सवाल समझ में आए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए। अब हम अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 9। मैंने आप पार्ट 8 करा दिया, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप याली वीडियो देखिए। और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियो देख सकता है नंबर सिस्टम की। मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जो आप 15 से 20 सेकंड में एग्जाम कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका, RRB हो, NTPC हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड, बाय।